एक्चुअली वक्त बिल्कुल नहीं लगा. आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे गाउन नहीं पहनना है. आई फील कि सब अवार्ड फंक्शन में काफ़ी गाउन्स पहनती रहती हूँ एंड सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लिटिल कम्फर्टेबल. मैंने ट्राउजर्स एंड टॉप चूज़ किया है सो आई एम फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल टुडे. गाउन्स में हम लोग इतना कम्फर्टेबल नहीं फील करते. आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्माइल. इट्स वेरी टफ विद दिस हीट एंड आई जस्ट होप देयर इज सम नाइस एसी एंड चिलिंग इनसाइड. हाँ ऐसा कुछ मैंने भी कैरी किया हुआ है. मैं झूठ नहीं बोलती हूँ. दिखाऊँ? नहीं यार ऐसा मत करो. टिश्यूज वगैरह मैंने कैरी किए हुए हैं क्योंकि क्लच दिखा दो. हाँ ये क्लच जरूर कवर कर लेना प्लीज. मैचिंग मैचिंग ढूंढने में टाइम लगता है तो जस्ट माई स्माइल. जो पूरे देश को है बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है तो हम वेट कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी गुड गुड न्यूज़ हमें सुनाई दे और कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे हमारी कंट्री में. लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन एंड बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं मोदी साहब से एंड आई एम श्योर कि वो उम्मीद से खड़े उतरेंगे. Do you want me to dance? No, step shoot wala step ya fine girls ya anything. Photo shoot sounds better. Dance wala thoda scary lag raha. सासू माँ लगनी तो चाहिए. हाँ यार सासू लगनी आज. समदन जी हेलो. जानी पे जानी सी आवाज. समदन जी तो कैसे लग रही है? ओके ये साथ में वो टाइप जोड़ी लग रही है कि मेरी बहू को क्या हो गया? आ जानी बहुत बहू लग रही है. सिंगारों पर सारी प्राउड. दिस इज द टाइप ऑफ बहू आई लाइक. एक्चुअली मान तो ऐसे ही बहू को पसंद करेगी यार. ऐसे पहले ड्रेसअप होती तुम शो में ड्रेसअप होती तो दुमान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. दुमान चाहती थी कि कोई मॉडर्न बहू मिले. ओके अब आई गेस आप भी कुछ डैनी भी कुछ. हाँ शायद अब हम दुबई ले जाओ यार हमको भी. हम भी दुबई चलते हैं. अच्छा लगाना पड़ेगा. दुमान को पटाना इतना आसान नहीं है. चलो मैं भी कॉन्फिडेंस. रामलीला वाली इयररिंग बहुत खुश हूँ एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड आई हैव सीन द वे मोदी हैज डेवलप्ड गुजरात. And I'm really happy and wishing Modi sir a very big, big heartiest wishes and may we have a good, well-developed India for sure. Okay, golden step kya rahega aapka? Dance step. Aap log golden dance step kya? Dance step. Yaar yahan pe mat karo. Yahan pe kar le. Acha ek selfie ho jaye. Haan ek selfie to aise hi le lenge hum log. Thoda peace karo. Aur kuch aur. Aur kuch aur.
अभी लेके आ जाओ अश्विनी मैम शॉर्ट ले लो पहले आ चुका अरे छोड़ के काला कपड़ा पहन कितना अलग लग रहा है सफेद कपड़ों को छोड़ के वो भी गोल्डन का है मुझे बहुत ऐसा लग रहा है सब जगह से हवा लग रही है क्योंकि जिस हिसाब से मेरा कॉस्ट्यूम है मेरे सांस लेने में तकलीफ होती है आप तो मिल चुके हैं मुझसे तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा है okay, बहुत जुदा जुदा सा अंदाज है आई गेस अलग हेयर स्टाइल है एंड बिंदी अलग वाली है इयररिंग्स भी अलग है जी हाँ आप वो दिखाइए पहले कुछ इयररिंग्स हाँ नोज रिंग भी है अवतार में इतना चेंजेस है क्या क्या और चेंजेस है बताइए और चेंजेस हैं कि और चेंजेस कुछ नहीं है बस आज अश्विनी कालसेकर बन के आई हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ मैं ऐसे सब इतने सारे क्योंकि यहाँ पे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती ना एक्टिंग में थोड़ी मैं कॉन्शियस कम रहती हूँ तो क्योंकि आपकी बहू कहेंगे जोधा चली गई है बादशाह अकबर नहीं आए अभी तक उनसे अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं आए क्या लगता है यहाँ पे मेरा बेटा तो आ रहा है आदम से बात हुई थी और मेरा जो बेटा है वो अच्छा बेटा है आदम खान हमारे बेटे पीछे क्या सोच के रहे हैं आपको कुछ अंदाजा है आदम ट्रैफिक में फंसे अकबर अकबर आदम तो आ गए आदम आ गए क्या अच्छा हाँ उन्होंने कहा था कि वो आगे पीछे ही है कहीं पे मैंने कहा मैं रुकती हूँ तो उन्होंने कहा नहीं 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 मैं शायद पहुँच जाऊँगा आप आ जाओ अकबर का वाकई आई एम नॉट शॉर्ट विथ हिम सो आई रियली डोंट नो कि क्या है लेकिन आ जाएंगे घोड़ा शायद पानी पी रहा होगा मेरे एक्सपेक्टेशंस वही हैं जिनको मैंने वोट किया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सच्ची कहनी से मैं यही चाहती थी मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर मोदी एंड फैन ये बहुत सही टर्म नहीं है या वर्ड नहीं है लेकिन हाँ मुझे वो बहुत पसंद है उनकी उनकी स्टाइल पसंद है वो दिखते कैसा है वो पसंद है उनका काम पसंद है सब कुछ पसंद है वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर थैंक यू सेल्फी अगर आप और किसको भेजो नहीं बहुत ट्रेंड है मैं नहीं करती ये सब नहीं करती थैंक यू थोड़ा सा वार्डरोब में मिसमैच हो गया लेकिन मैंने सोचा कि अवार्ड मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑल द फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी हियर ऑल माय फैमिली इज गोइंग टू बी हियर सो आई सेड चलिए अवार्ड्स पे चलते हैं गोल्डन सेट गोल्डन कार्पेट पे गोल्डन सेट इनके साथ हां दोनों साथ में गोल्डन स्टेप हो जाए गोल्डन कार्पेट यहां पे डांस स्टेप थोड़ा थोड़ा पीछे थोड़ा बहुत ही कूल कलर है आई जस्ट थॉट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी डार्क कलर आई विल वेयर समथिंग नाइस एंड आई लव पिंक कलर सो आई थॉट व्हाई नॉट चूज बेबी पिंक फॉर द इवनिंग ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज ही इज ऑल्सो गुजराती एंड आई एम ऑल्सो गुजराती एंड गुजराती में हूँ मोदी ने कही कि मोदी हूँ तमारा माटे बहुत खुश छू अने मैं तमारा माटे वोट करी तू अने घणा जणे मने पूछू तू कोने वोट करवानी छू पण मैं कोई ने कीधु नहीं अने मने पूरो विश्वास हतो कि मारो गुजराती ज जीत से सो प्लीज गेट अ गुड चेंज फॉर द एंटायर कंट्री एंड ऑल द बेस्ट उसके लिए मोदी जी से क्या-क्या करना चाहिए
मोदी जी से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं अभी पूरी मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि बिकॉज हमारे नेशन में बहुत सारे चेंजेस है जो हमें लाने हैं विथ सॉन्ग आई एम हमिंग दीज डेज सॉरी पार्टी सॉन्ग आई एम हमिंग दीज डेज सारी के फॉल सा कभी कैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे ओके थैंक यू ऑडियंस बिकॉज इफ माय ऑडियंसेस लव मी एंड इफ दे सी मी इन अ मॉल एंड दे रिएक्ट बाय कॉलिंग मी बाय माय कैरेक्टर नेम आई थिंक दैट इज अ बिगर अवार्ड देन गेटिंग अ ट्रॉफी बिकॉज the love that comes from the fan is far more genuine but we all know in this industry bahut sare politics bhi hote hai bahut sare jhol bhi hote hai but the fans love is always genuine so of course I prefer a fans love over a trophy thank you मैं तो सीधा शूट से आ रही हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गोल्ड अवार्ड्स में हमेशा बहुत प्यार से बुलाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये काला कलर का मोर प्रिटी लेडीज वेयर पीकॉक्स कहीं कहीं से मिला है पता नहीं कहाँ से मिला है पर मुझे लगा कि लड़कियों के लिए मोर अच्छा लगता है इसलिए हो गया बेटा थैंक यू वेरी मच पूरी टीम के साथ समय सर सर साथ वो सर तो क्लोज वो सर हम बड़े खुश हैं माइक के पास इंडिविजुअली पूछोगे व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ अच्छे दिन आएंगे एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारे हैं अब शुरू करें तो शायद टाइम कम पड़ेगा पहले तो जितने ये टैक्सेस जितने लगाए हैं हमारे इंडस्ट्री पे शुरू करते हैं सर्विस टैक्स से पहले वो हटाओ वैसे फिर टैक्सेस की लंबी चौड़ी लिस्ट है बहुत सारे चीज़ करनी चाहिए टाइम कम पड़ेगा बताने में यहाँ पे गाज गिरने वाली अनलेस किसी ने कुछ किया है तो ही नहीं तो हम ऐसे कुछ थैंक यू अच्छा हम लोग ऐसे पोज करते हैं आपको मेरे फोन से हम लोग अभी खींच लेते हैं क्या सोच के हमारे पास टाइम नहीं था एक्चुअली वी डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम शूट सो वी डिड नॉट टाइम फ्रॉम शूट सो व्हाटएवर वी गॉट वी कुड गेट मेकअप नहीं लगाया नहीं लगाया मेकअप ओके आप लोग आप क्या लगता है कौन अच्छा लग रहा है रंजीत ओ मैं अच्छी लग रही हूं आप लोग इनकी तारीफ तो करिए कैसी लग रही है
ये हमेशा अच्छी लगती है भाई, इसका तो दुखी है। पाद तो हमेशा तारीफ करता ही रहता है, आज रणवीर पाद तारीफ करे तो नहीं, ये बहुत अच्छी लग रही है और लंबी भी लग रही है। मैं छोटा हो गया आज, बहुत अच्छी क्यूट लग रही है। जिनके पीछे दो दो हो आपको लगता है उनकी शादी हम होने देंगे? शादी होने वाली है यार, एंड लगता है हम दोनों शादी होने देंगे, जिसके साथ भी हो जाए। ओके, आप लोग यूथ हैं एंड यूथ पे काफी शो है, तो नई सरकार जो आई है उनसे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है ये बताइए। साडा हर काम जो भी है, बहुत एक्सपेक्टेशन, मैंने उन्हीं को वोट किया था और वो जीत गए, सो आई होप जो भी हमारी कंट्री में काफी अच्छा कुछ हो। अभी मतलब ये तो आपने सारा ब्लेम लड़कियों पर डाल दिया, लड़कियाँ ऐसी रहती है, नहीं एक्सपेक्टेशन तो देखो हर गवर्नमेंट से होती है, तो इस गवर्नमेंट से भी है। लेट्स सी। ओके, डांस करते नहीं क्या? एक गाना तो हो गया। कौन सा गाना? क्या गाना है? पार्टी सॉन्ग। कौन से पार्टी? पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, आज जीते तो पार्टी तो बनती है, जीते तो आप यहाँ मिलना मुझे, मैं ऐसे आऊंगा पार्टी। कुछ भी नहीं बोला ना, पार्टी तो बनती है। हाँ जी, ये ईगल अच्छी है ये लड़की, हम लोग कौए जैसे। थैंक यू सो मच। कुछ फ्लॉन्ट तो बिल्कुल जो है हम हैं, तो फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मैं अपना गजरा फ्लॉन्ट करूँगी एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं नॉमिनेट हुई हूँ सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में। नेचुरली साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन दिखना चाहिए। साउथ इंडियन साइरन, या साउथ इंडियन साइरन, दैट्स व्हाट शी इज। सो कुछ भी नहीं ऑनेस्टली, कुछ मैं अपना मोबाइल का वो फ्लॉन्ट करना चाहूँगी जो एकदम मैचिंग है मेरी ड्रेस से, मेरी इयर रिंग फ्लॉन्ट करना चाहूँगी जो आप देख सकते हैं, टोटली ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंगी, सो दैट्स इट। उस्मान साहब आए हैं, आएंगे, ज़रूर आएंगे, दे आर डेफिनेटली कमिंग, शूट भी कर रहे थे इसलिए वहाँ से आ रहे हैं, तो तभी ऑल ऑफ अस हैव गॉटन डिलेड अ लिटिल बिट। नहीं नहीं, यहाँ कोई बंटवारा नहीं है, यहाँ बंटवारा होने वाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल बंटवारा नहीं रहेगा पूरा। यस, वी विश देम गुड लक, इट विल बी गुड। चेंज इज ऑलवेज गुड मेरे हिसाब से, और जो भी हो किसी को चांस दें, दैट्स द बेस्ट थिंग, जस्ट गिव समबडी अ चांस बिफोर यू जस्ट राइट देम ऑफ और यू नो मेक योर ओपिनियन, तो चांस दे ही देते हैं, व्हाई नॉट, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री। या होगी, आई थिंक दैट ही इज प्रूवन हिमसेल्फ वंस, सो या व्हाट शी सेड, गिव हिम अ चांस, आई एम श्योर ही इज गोना मेक इट बेटर फॉर अस। अब सब चांस दे रहे हैं तो मैं भी चांस ही दे देती हूं, तो आई एम श्योर चांस इज अ बेटर वर्ड, चेंज फॉर बेटर, वी होप कि सब बेस्ट हो जाए, जो करप्शन है सब दूर हो जाए, दैट्स द मेन थिंग व्हिच इज अ बैड थिंग इन अ कंट्री। ओके, पार्टी सॉन्ग या हमिंग, हमिंग दिस क्या है, द पार्टी सॉन्ग, आई थिंक आई नो व्हिच सॉन्ग यू आर हमिंग दिस डेज। Whether I like it or not, I am humming this. I'm forced to hum this song thanks to my little daughter. Aaj blue hai, pani, 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 pani. She's obsessed. I'm obsessed with baby, don't let me sony. Baby, don't let me sony. करवाते हैं।
ये कल इसने मारी थी किसी की नहीं कुछ नहीं, ये ऐसा है ये भैया, ये ऐसा अच्छा ये तीन भाई ने बोला आज पूरा ढक के आओ, फैशन शो है कि अवार्ड सेरेमनी है, ये सुपरमैन की तरह बन गई आज। देखो सुपरमैन ने जो कपड़े पहने वो ये तो नहीं पहन सकती, तो इसने हाथों में पहन लिया। नहीं एक्चुअली बैटमैन का भी बोल रही हूं, नहीं स्पाइडरमैन का बोल रही हूं, हद हो गई स्पाइडरमैन। और कुछ पूछ रहे हैं क्या यार? देखो सरकार कोई भी है, हमारा भला होना चाहिए, जनता का, जनता का भला होना चाहिए बस, ये पॉइंट है। सरकार जनता की भलाई कुछ मत महंगा करो, सब सस्ता करो। हाँ भाई क्या वेलकम, चलो जय मैम। मुझे पता नहीं था कि गोल्डन कापट है, पता था तो मैं कुछ ज़्यादा गोल्डन गोल्डन मैची मैची करके बट आई थिंक दिस इज हाउ इट इज, अच्छी लग रही हूँ ना। नई सरकार के बारे में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि अभी मेरे पास बिल्कुल वर्ड्स नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गॉड ने हमारी प्रेयर्स सुन ली। कितने टाइम से हमें ये चेंज चाहिए बहुत ज़्यादा। क्या होता है कि तो पहली बात तो ये कि पिछली बार मैं जंप सूट पहन कर आई थी अवार्ड फंक्शन, तो सर मैंने सोचा फॉर अ चेंज मैं गाउन पहन, तो गर्मी बहुत थी इसी वजह से। थैंक यू थैंक यू। हाँ शॉर्ट। अच्छा एक कोई गोल्डन कारपेट पे गोल्डन पोज या गोल्डन स्टेप कौन सा होगा आप दोनों का? अच्छा एक शॉट इधर आ जाइए, वाइट्स कर लेते हैं, चलो कर लो वाले कैमरा लुचे। आज हम दोनों साथ में मिलकर गोल्ड अवार्ड्स देखने वाले हैं, एंड थैंक गॉड हमारा पैकअप साथ में हुआ तो हम साथ में आने का मौका मिला। ओके ड्रेसिंग के हिसाब से दोनों ने साथ में की, आई मीन टू से डिसाइड किया या एनी से लुक देख के क्या? आई थिंक जो मेरा लुक है इट्स वेरी माय शो दिल दोस्ती डांस, एंड जो एक हसीना थी आप देख सकते हैं हसीना को कैसे ड्रेसअप हुई है, एंड संजीदा इज हेल्प मी अ लॉट ड्रेसिंग अप क्योंकि मैं इतना ड्रेसअप होती नहीं हूं यूजुअली। ओके हसीना ने क्या सोच के ड्रेस? मुझे पता था कि हमें वक्त नहीं मिलने वाला था इसलिए मैंने अपने शूटिंग पर ही कॉस्ट्यूम लेकर आ गई थी और दिस इज हाउ आई एम ड्रेस्ड अप। ओके आमिर किस तरह से दोनों हसीनाओं की तारीफ करेंगे या कुछ इरशाद करेंगे? यार ये दोनों हसीनियां हैं ना फैबुलस हसीनियां हैं, फैबुलस डांसर्स हैं, सो आई जस्ट मैनेज। सो यू आर डांसिंग टुडे? या आई एम डांसिंग टुडे बट दीस गर्ल्स आर द बेस्ट डांसर्स ऑन इंडियन टेलीविजन। स्टेप तो स्टेज पर ही होगा ना संजीदा यहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच देयर परफॉर्मेंस, तो आज मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूं। ओके क्या फ्लॉन्ट करना चाहेंगी राइट नाउ? आई थिंक आमिर शुड फ्लॉन्ट बिकॉज शी हैज गॉट बोथ द गर्ल्स। या आई एम जस्ट क्वाइट आई एम जस्ट हैप्पी। ओके नई सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खुशी है गम है या क्या उम्मीदें हैं वो बताएं? ये तो लड़कियों को सरकार के बारे में आई डोंट नो कुछ पता है, मुझे पूछो सब पता है। इंटेलिजेंट गर्ल बेसिकली मेजॉरिटी आई है तो आई थिंक दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आई होप जो भी आए बस देश का भला करे। सी ही इज शोन अस द ड्रीम, ही बेटर फुलफिल्स इट, वी बॉट द ड्रीम नाउ ही शुड फुलफिल इट। एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई थिंक समवेयर ऑल ऑफ अस बिलीव इन हिम, सो या रियली होप फॉर अ बिग चेंज। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथ में शॉट दे दो मोबाइल देखना वापस। अच्छा ये वाला होगा, अगर नहीं मिला तो मिला तो ये वाला होगा।
पता ऐसा सोच रहे गोल्डन कार्पेट होगा तो गोल्डन कपड़े पहनना है। हाँ मेरे पास कुछ गोल्डन नहीं है, मेरा दिल गोल्डन है। इस गर्मियों में देखिए ऐसे ऐसे कपड़े पहनता हूँ, लिनन पहनता हूँ तो उससे ठंडा रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अब की बार अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा करेंगे, यही उम्मीद है। पार्टी सॉन्ग यार, पार्टी गाने का टाइम ही नहीं है, नायकों से वापस आते हैं टाइम ही नहीं मिलता लाइफ में। तो आजकल तो मुझे टू स्टेज का ओफो बहुत पसंद है। पार्टनर का पार्टनर क्राइम कौन? आनंदी पता नहीं है, आनंदी अंदर नहीं है तो फिर आ रही हूँ। एक्चुअली हम दोनों को सिमिलर टाइम लगा है शायद, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा वक्त लगा है ट्रैफिक को। ट्रैफिक हमें यहाँ पर सबसे देर हुई आने में बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। हम बहुत बुरी ट्रैफिक में फंसे, बहुत गंदी वाली। तो जब से मैं बांद्रा से निकली हूँ तब तक इसके घर पे पहुँची, तब तक ये रेडी हो गई थी। मैं इसके साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकती हूँ, ये पूरी गोल्ड बन के आई है। आज मैं अवार्ड बन के आई हूँ, आज मैं ही अवार्ड हूँ इस अवार्ड नाइट की, मैं अवार्ड हूँ। यस ये फुल गोल्ड नहीं, सिर्फ सारी गोल्डन है, ये बैंगल्स गोल्डन है मेरे, और मेरा क्लच गोल्डन है, मेरी सैंडल्स फुल ऑन गोल्डन है, ड्रेस में भी कुछ तो गोल्डन गोल्डन है, यस मेरी इयररिंग्स गोल्डन है। नहीं मैंने तो देखो ये नेट की साड़ी पहनी है बिकॉज इतनी गर्मी हो, ये फुल हवा हवाई बन के आई है। गर्मी इसलिए होती है ना तो मैं नेट की साड़ी पहन के आई हूँ ताकि थोड़ा हवा अंदर बाहर होती है। और मैंने नेट का ये स्टमक पोर्शन खुला रखा है कि मुझे मतलब यहाँ भी हवा जाती रहे, हाथों में हवा जाते रहे, ऐसी गर्मी को कोई नहीं मार सकता। नहीं दिन आने वाले हैं। नहीं सिंस सरकार, आई होप बेटर इंडिया, न्यू चेंज, और जैसे सृष्टि ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सालों से बच्चे खेल रहे थे, खेलो हम आएंगे आएंगे और जरूर आएंगे। नहीं इस बार यही मोहब्बत है सरकार, और कुछ नहीं होगा अंदर। हमारी अब की बार गोदी में सरकार नहीं, पर यही है कि बस जो अब तक हुआ है वो ना हो आगे, और कुछ अच्छा हो जाए, मेट्रो चालू हो जाए पहली बार। पहले चार साल से टेस्टिंग कर रहे हैं, अब तक ये आदमी नहीं बैठा उसके अंदर, कुछ अच्छा हो जाए उसके अंदर। मेरी सास माँ की तारीफ करूंगी, शी इज लुकिंग
stunning. Thank you. And you are looking a prince. He's my prince. राजकुमार ये मोहब्बत का वजन देख रहे हो ये टीआरपी है हमारी. सो है हम सभी सोने के बने हुए हैं. झूलू तू सोने की हो जाएगी. देखो इस टाइम बलदेव की लाइफ की दो इम्पोर्टेंट लेडीज उसके सामने है तो ही हैज टू आंसर दैट. आई थिंक बिकॉज दे आर वुमेन दे बोथ लुक ब्यूटीफुल एंड आई लव वुमेन एंड दैट्स गुड. बट हाँ क्योंकि माँ बहुत बड़ी होती है तो आई विल गिव द रिस्पेक्ट वाला व्हाट माँ अल्ले बाबा अल्ले बाबा एंड द ब्यूटीफुल एंड द हॉट वन टू. ये टैटू मोर है बिकॉज मैं भी प्रीतमपुरा में मोरनी की तरह पहले पाती फिरती हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स मी सो दैट्स व्हाई. आप सब कुछ ब्लिंक है टॉप टू बॉटम ब्लिंक है. मैंने ब्लू सिल्वर और रेड का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है सो आई थिंक ब्लिंग 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 बिकॉज गोल्डन कप भी वॉक करना था सो आई लाइक ऑफ शाइनी स्टफ इसलिए मैंने ब्लिंगी स्टफ. आई थिंक जिसे जैसे मैं हर रोज देखता हूँ आई थिंक शी इज लुकिंग प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम दैट. पंजाबी गाना गाओ गाओ से बेबी पंजाबी गाना पटाखा गुड्डी आई थिंक दुगनी हो पटाखा गुड्डी हो शर्ट हाय रे सब कटे तपड़े बिल्ली हो. ओ सो स्वीट टू मी. क्या नई सरकार के बारे में? मोदी सरकार आई थिंक वो चुनाव जीत गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन. या कांग्रेचुलेशन नरेंद्र सिंह मोदी. आई जस्ट होप कि इंडिया को अब एक नई दिशा मिले और हम जो बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिया का सपना हमेशा से देखते आए हैं वो पूरा हो. सो बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच. इस बार इतने सारे लोगों ने लगभग 30 सालों के बाद मेजोरिटी ने वोट दिया है सो थैंक यू सो 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 वेरी मच. आपके एक वोट ने यू नो इंडिया का नक्शा बदल दिया finally. For the government, all eyes are on you. Yeah. Lot of expectations. Just do something for us. Make us proud. Make India a proud country, please. मेरी बहन और इसके वीर जी शादी होने के बाद दोनों प्यार में से घूम रहे हैं. नहीं नहीं दरअसल क्या है ना मेरे वीर जी थोड़े से shy हैं. सिर्फ ब्लिंगी ब्लिंगी रेड कार्पेट like नहीं नहीं मैं ना थोड़ा सा अब तो वाइफ भी आ गई है मतलब फुर्सत ही नहीं है बहन की फोटो भी हटा दी अपने रूम से मेरी. थैंक यू थैंक यू. ऑनेस्टली मैं पूरा लुकिंग डोंट वरी मैं ऑनेस्टली शूट पर से आई हूँ एंड आई टू गो समवेयर एल्स फॉर अ मीटिंग तो मैं वहाँ से आई हूँ तो आई एक्चुअली गॉट लाइक 20 मिनट्स टू गेट रेडी तो ऐसे ही जो था उसमें ही आ गई हूँ. 1 2 3 4 5
डूड नरेंद्र मोदी रॉक्स. आप लोग ने ऑलरेडी जानते होंगे, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि डॉलर रेट्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं एंड जो भी स्टॉक मार्केट्स में सब ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं. सो आई एम ग्लैड दैट नरेंद्र मोदी इज ऑन एंड कुछ इज रॉक. एक्चुअली थोड़ी लेट हो गई हूँ, पैकअप लेट हो गया तो शूट पे थी ऑब्वियसली. और ये ओबेरॉय फ्लाईओवर का वो जो ट्रैफिक जाम, सो आधे मतलब शूट पे थी, दैट्स नॉट द इशू. बट द थिंग इज वो ओबेरॉय का जो ट्रैफिक जाम है वो मतलब अभी टॉर्चर होने लगा है बहुत ज़्यादा. एनीवे टाइम से पहुँच गए आई एम श्योर. ड्रिंक लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ. बालों को किस तरह से मुड़ा हुई उड़ तो गई थी. एनीवे सॉरी, क्या फ्लॉन्ट करने वाले हैं? आज मेरे बाल ही ज़्यादा फ्लॉन्ट करूँगी मैं, बिकॉज मेरी जो हेयर स्टाइलिश उसने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से बना के दिए. सो एनी वे आज मेरा बाल एंड ऑफकोर्स मुझे मेरी अनारकली बहुत पसंद है. सो आज जैसे कि मुझे घुमाया चुगली घर आंटी ने, जैसे घूम घूम के फ्लॉन्ट करूँगी आज थोड़ा. एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है एंड ऑफकोर्स झूठ नहीं बोलूँगी. एक्सपेक्टेशंस कर करके इतने थक चुके हैं, अभी हमें रिजल्ट्स चाहिए. सो आई थिंक एंड आई एम श्योर कि मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार डेफिनेटली बहुत कुछ करने वाली है. दैन द फेथ दैन द ट्रस्ट में भी जो उन्होंने इतने सालों गुजरात के लिए किया है, इसके लिए वो डेवलप्ड हुआ है हमारे अंदर. एंड आई एम श्योर अभी मोदी जी सिर्फ गुजरात के नहीं हैं, हमारे भी हैं, इंडिया के हैं वो. सो आई एम श्योर ही विल डू समथिंग गुड. थैंक यू. क्या फ्लॉन्ट करना चाहूँगी मैं? क्या फ्लॉन्ट? मैं कुछ फ्लॉन्ट करने नहीं आई हूँ, मैं शो को देखने आई हूँ और शो पे एंजॉय करने आई हूँ. और जी के साथ मेरा अभी हाल ही में नया रिश्ता बना है, मैं शो कर रही हूँ गैंग्स ऑफ हसी पे, तो इस करके आई हैव टू बी हियर. गर्मियों को बीट करने के लिए कम कपड़े पहनो ये सुनना चाहती थी ना आप बाल छोटे रखो आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आवर कंट्री वाज रेडी फॉर अ चेंज. ये जो हमारी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ही इज़ अ विजनरी. और मैं बिलीव करती हूँ कि आई थिंक द कंट्री needs someone like him and we need change and we need freedom from corruption. Oh no, that's I think that's not high up on the priority list as far as what my expectations from the government are concerned. Okay, just talking about the award, is it appreciation or trophies? I'm not here to, I'm here just for support. I'm not here to receive an award, or I don't know whether I'm presenting an award. I'm here for support. Okay, thank you. Thank you, man. Yes, sir. 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 क्या बोलना है, क्या बोलना है? दिव्यांका निकल गई है, कहाँ निकल गई? अच्छा अंदर निकल गई, पता नहीं. मैं तो अभी एक्चुअली शूट से आया हूँ और मैं आई थिंक काफ़ी लेट आया हूँ, काफ़ी जल्दी है, पता नहीं मुझे.
लेट आए जी। तो आई थिंक डेफिनेटली मैं सुना दिव्यांका और उसकी पूरी टीम को कुछ अवार्ड मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेशन है लोगों के और शो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आई एम होपिंग कि पूरी टीम को अच्छे अवार्ड्स मिले और दिव्यांका को अवार्ड मिले और लेट्स होप इट्स अ गुड टाइम। मैंने बीच में एक दो एपिसोड देखे हैं आई थिंक और बहुत कमाल के एपिसोड्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। आई थिंक वो बच्ची जो है बहुत क्यूट है और दिव्यांका और करण सब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स अ बालाजी शो तो आई थिंक बालाजी हमेशा कुछ ना कुछ मसाला डालता ही है। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच।